हे दोस्तों, मेरा नाम है गैसवॉट और होप सो आप सभी लोग काफी बढ़िया होंगे। खैर दोस्तों, अब वो वक्त आ चुका है जब हमें अंटार्कटिका को गुड बाय कहना पड़ेगा। नहीं नहीं, अंटार्कटिका कहीं नहीं जा रहा है। एक्चुअली में साइंटिस्टों का मानना है कि काफी जल्दी सुनामी आने वाली है अर्थ में, जिसके बाद खाने की सप्लाई नहीं मिलेगी और साथ ही साथ हर तरफ वॉर होगी एंड एवरीथिंग बिगिंस विद द एंड ऑफ द अंटार्कटिका। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन यही हमारा फ्यूचर है। ये कोई मीटियोर की वजह से नहीं होने वाला है, ना ही ये किसी वोल्केनो की वजह से होगा। इसका क्रेडिट जाता है ये ग्रीन दिखने वाली चीज को, इसे कहते हैं स्नो एल्गी, और ये अंटार्कटिका में काफी तेजी से फैल रही है। अब दोस्तों, अंटार्कटिका में ये काफी हद तक फैल चुकी है। यहाँ तक कि साइंटिस्टों का मानना है कि 2009 से लेकर 2019 के बीच में जितनी ये एल्गी फैली है, उतना तो ये 50 सालों के अंदर नहीं फैली थी। मतलब ये साल नहीं, बल्कि अब पूरी जिंदगी अंटार्कटिका के लिए काफी भारी होने वाली है, क्योंकि वहाँ अब ब्राउन लैंड या फिर आप लोगों को ग्रीन लैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि आइस अब गायब हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 50 साल में ऐसा क्या नहीं हो पाया जो इन 9-10 सालों में हो गया, और ये अंटार्कटिका के साथ पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी 2 बार हिस्ट्री में ये इवेंट अंटार्कटिका के साथ हो चुका है। और साइंटिस्ट ऐसा क्यों मानते हैं कि अंटार्कटिका की हरियाली की वजह से हमारी हरियाली गायब हो जाएगी? दोस्तों, जब भी आपने पहली बार अंटार्कटिका का नाम सुना होगा, तो आप लोगों को मालूम होगा ये सबसे ज्यादा ठंडी जगह है अर्थ की। यहाँ तक कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ अगर आप लोगों के पास शेल्टर नहीं है तो शायद ही आप लोग सरवाइव कर पाओ। लेकिन आज के टाइम पे यहाँ की आइस काफी तेजी से पिघल रही है। इसके पीछे का रीजन तो वही है जो सब लोग जानते ही है, ग्लोबल वार्मिंग। और दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ड्रैगन पीरियड में भी अंटार्कटिका काफी ज्यादा ग्रीन एरिया था, ऑल्दो उस समय ये इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। वेल दोस्तों, एक और बार इतिहास अपने आप को दोहराने बैठ गया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एल्गी को अपना फेवरेबल कंडीशन मिल चुकी है। और दोस्तों, यहाँ तक कि एल्गी ने अपने आप को एक्सपेंड करने की प्रोसेस भी चालू कर दी है, और अंटार्कटिका में यह आप लोगों को आसानी से देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको ऑरेंज, रेड और यहाँ तक कि ब्राउन कलर की घासें देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि अब प्रोसेस ये काफी ज्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा हरियाली होगी उतनी कम लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यानी हीट बढ़ जाएगी और आइस काफी जल्दी पिघलेगी। अब रिसर्च करने के लिए साइंटिस्टों पे काफी ज्यादा टॉपिक था, तो उन्होंने स्टार्ट किया लिम्फेज सेल और साथ ही साथ पेंगुइन की हड्डियों से। साइंटिस्टों ने जानने की कोशिश की कि इनकी एज कितनी रही होगी, और दोस्तों, रिसर्च के तौर पे उन्हें पता लगा कि अंटार्कटिका के 2 सबसे बड़े ग्लेशियर पिघलने लगे। ये दोनों ग्लेशियर अंटार्कटिका के लेफ्ट पोर्शन में, यानी दोस्तों, एक का नाम है पाइन आइलैंड और दूसरे का नाम है थ्वेट्स। और ये जो हो रहा है, ये 5,500 सालों में पहली बार हुआ है। अब इसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, और माना जा रहा है कि अगले 100 सालों के अंदर ये लगभग 3.4 मीटर इंक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, केवल 1 मीटर पानी राइज होने की वजह से काफी सारे कोस्टल एरिया डूब सकते हैं। ये तो चलो हमने एक पोर्शन की बात की, बल्कि इसके अलावा अंटार्कटिका के हर एक कोने से बर्फ पिघल रही है, और ज्यादातर वो वाली बर्फ पिघल रही है जो कि पानी के ऊपर तैरती है, जिसकी वजह से इनका कोई हिसाब ही नहीं है। और दोस्तों, यहाँ तक कि इस बार इसके पिघलने की रेट पिछले 25 सालों के रेट से डबल है। दोस्तों, 1997 से लेकर आज तक लगभग 12 ट्रिलियन टन आइस सेल मेल्ट हो चुकी है। आइस सेल ज्यादा कुछ नहीं, बस वही चीज है जो आइस को कंटेन करती है, यानी मेल्टेड आइस को, और इसको पिघलने से बचाती भी है, क्योंकि ये पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है। अभी तक जो भी अंटार्कटिका के साथ हो रहा है, उससे केवल एक बात पता चल रही है, वो टाइम में पीछे जा रहा है, यानी डायनासोर के एजेस में। वेल, उस एज में अंटार्कटिका कैसा दिखता था, इसका लुक जानेंगे हम अगली वीडियो में। और अगर उसे जानना है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट करके भी बताना क्या लगता है ये कितने टाइम में होगा।